पीछे वहाँ पे है वो, वहाँ पे 24 किलोमीटर पे अपना पीओके है। 24 किलोमीटर सिर्फ 24 किलोमीटर से, और हम पीओके पहुँच जाएंगे अगर पर हम नहीं जाएंगे। ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा थी रात को तो पता लगाते हैं कि भैया क्या क्या ब्रेकफास्ट में रखे हैं। मैगी और सिमरिया कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स ब्रेकफास्ट करके फिर मैं बात करती हूँ। इसलिए कैब भी काम नहीं आ रहा है क्योंकि गर्दन में भी हवा लगती है, सो वी हैव टू टेक सेफ्टी फर्स्ट। तो चलो पहले टूर कराते हैं आपको हमारे टेंट का, हमारे कैंप का। सो ये है मेरा बेस कैंप 1, इसमें मैं सोई हुई थी। ये गर्ल्स के लिए है और ऐसा है, आप देख सकते हो कि ये बॉयज़ कैंप है। ये जो है ये हमारा किचन है, हमारा वॉशरूम के लिए है दोनों, ये गर्ल्स है ये बॉयज़ का है। और देखते हैं कि ऐसा हमारा टेंट था, 8 गर्ल्स थे यहाँ पे, तो ये टेंट ऐसा लगता था। रेडी हूँ जाने के लिए, इनका माहौल देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ आपको। तो 7 बजे का ऐसा माहौल है, सारे लोग रेडी हो रहे हैं निकलने को, अब रेडी हैं जाने के लिए। सो चलो जय माता दी प्रभु। तो ये मेरा बेस कैंप 1 था ट्रेकिंग का, और आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है यार। सो वी आर गोइंग टू आवर हेड, और क्योंकि ऐसे लोग चल रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और किस चीज़ को हम छोड़ते जा रहे हैं पता है, इस खूबसूरत वादियों को, इस खूबसूरत वादियों को हम छोड़ते जा रहे हैं। तो अभी हम मैगी पॉइंट पहुंच चुके हैं, सिग्नल मिलती है बट जल्दी कट जाती है, तो उतना कोई सिग्नल का यहाँ पे है नहीं कि सिग्नल आपको आ सकता है। बट ये मैगी पॉइंट का शॉप है, मैं आपको दिखा ही रही हूँ, और बाहर का वेदर दिखाती हूँ भैया, बाय। और यहाँ पे ग्लेशियर भी देख सकते हो जो दिख रही है आपको माउंटेन में। चलो फिर आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पूरी माउंटेन में जो है ना ग्लेशियर आपको दिखेगी, पूरी माउंटेन में। जितना भी मैं निस्सर से आ रही थी तो डिसेंड ही था, पर अब देखती हूँ डिसेंड है या क्या है, जो भी अपडेट होगा मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और ये देख सकते हो, चलो फिर खा लेते हैं उसके बाद बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतने बीच के वैली में भी आप देख रहे होगे सिप है, सो सकते हो वो ऊपर भी, वो ऊपर से आ, अच्छा अच्छा तो ये ऊपर से आ रहे हैं, ओके। नहीं सर से जब आप पास करोगे ना, जब मतलब मैगी पॉइंट पार करोगे, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेडोज़ दिखेंगे, सिर्फ माउंटेन में मेडोज़ मेडोज़। आपको यहाँ से भी मेरा कैंप दिखता है, मतलब कि बेस कैंप 2, बट फिर भी वो है 3 घंटे अभी भी दूर, 3 से 4 घंटे। तो बस हम ऐसे चलते हैं, चलते रहना है।
जब मैं कश्मीर में हूँ तो क्यों ना मैं कश्मीर की गेटअप में रहूँ। और मैं आपको रिवील करती हूँ कि मैं विष्णु सर आ चुकी हूँ, यानी कि विष्णु सर वो जगह है जो गदसर पास के लिए जाया जाता है। तो आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे और ये बेस कैंप 2 होगा हमारा। और आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ यहाँ का, जिससे आपको थोड़ा ये हो जाए। बेस कैंप है हमारा, यहाँ देख सकते हो सबके अपने अपने मतलब कैबिन है, यानी अपने अपने रूम है। बॉयज़ के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं। और हम अपना प्यारा सा रूम दिखा देते हैं, क्योंकि मेरा भी बहुत प्यारा रूम है जो मैंने रिजर्व पहले ही कर दिया था। तो मैं वो दिखाती हूँ। भी होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे टेंट जिसमें से आप 2 जन सो सकते हो। तो मैं अपने पार्टनर के साथ सोई हूँ। हाय पार्टनर। सो मैं और ये है आज के लिए। तो मतलब हमारे टेंट के जस्ट पीछे वहाँ पे है वो, वहाँ पे 24 किलोमीटर पे अपना पीओके। 24 किलोमीटर सिर्फ 24 किलोमीटर से, और हम पीओके पहुँच जाएंगे अगर पीओके पहुँच पर हम नहीं जाएंगे। आप जो समझे की हिम्मत है तो यहाँ से भी गोली चलेगी, वहाँ से आप जो बुलेट प्रूफ है आप वहाँ जा सकते हो, आप वहाँ चले। इतनी हम अपने देश में ठीक है, हम अपने देश में खुश है। ये तो सेंसिटिव एरिया है ही है ये। और इस साइड क्या है, इस साइड आपके आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है? गदसर बीच है। ये गदसर है हमारा, आपका जो दिख रहा है वो गदसर बीच है जो हम लोग कल जाने वाले हैं। कल आप जाने वाले हो, उसकी ऊंचाई है 13,820 फीट तक। मतलब हम लोग कल मतलब आज जो हम लोग 12,500 फीट करीब आपको 1600 तक आपको चढ़ना है। मतलब 1600 फीट तक हम 16,000 या 1600 फीट और मतलब 1600 फीट और 1600 फीट मतलब कि 12,500 में फिर और 1600 फीट और चढ़ जाना है। वहाँ से आप पास क्रॉस करोगे, पासेस कहाँ पास है वहाँ आपको किशनसर लेक दिखाई देगा। किशन अभी क्या है, हेलीपैड है, हेलीपैड के आपको आगे जाना है। यहाँ आप कहते हैं कि फायरिंग लाइन है। अच्छा ये हमारा ये फायरिंग लाइन है जहाँ पे हम लोग, हाँ हाँ ये हमारा फायरिंग लाइन है। मतलब हम लोग यहाँ पे मतलब टेस्टिंग करते हैं हम लोग। टी टाइम हो चुका है, सो वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि टी टाइम में क्या होता है। मेरे लिए पकौड़े पकौड़े, ये हमारे पकौड़े हैं। मेंशन कीजिए कि हमारे विशन सर के पकौड़े हैं। ये विशन सर के आप याद रखोगे, ये अगर आप आते हो तो ये विशन सर के पकौड़े और बहुत डिलीशियस है। मैंने खाया तो नहीं, पता स्मेल से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि मैं अपना साइड कर लूं। लोग आ रहे हैं और रिजर्व कर ले रहे हैं। बहुत अच्छी स्मेल आती है। और ये टी है जो आप देख सकते हो, तो बहुत अच्छी चीज है। ये टी टाइम है और पकौड़े तो अमेजिंग पकौड़े। वाह, ये मेरा पकौड़े और सॉस है, और सॉस और चाय, साथ ही साथ आती है विष्णु सर की वादियाँ। ये देख सकते हो मैं अपने टेंट में ही हूँ और चाय पकौड़े के साथ मैं इस वादियों का मज़ा ले रही हूँ। अकेला अगर होता ना तो मैं बाहर नहीं, अंदर नहीं खाती, बाहर नहीं खाती। आज की गेटअप भी मैंने वैसे ही डाली है, थोड़ी कश्मीरी टाइप में। और मैं बस यही कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग डिनर के लिए रेडी हैं, लोग खा भी रहे हैं सब, और मैं भी जा रही हूँ खानी। तो आई हैव टू क्लीन माई बॉक्स फर्स्ट, तो चलो पहले क्लीन करते हैं उसके बाद खाया जाए। डिनर भी रेडी है। क्या है भैया? ये रोटी है मैम। कितने? एक दो आप मेरे को क्या सरप्राइज भैया हमको, रोटी और पापड़ दे रहे हैं या चना दे दीजिए। वाह, मैं कहाँ मिलेगा ये पहाड़ों में ऐसा। तो चलो फिर मैं खाती हूँ, पता नहीं दिख तो नहीं रहा है। तो खाने जा रही हूँ।
ये देख सकते हो। और मैं खा के बात करती हूँ। ओ डिनर हो चुका है, बॉर्नविटा भी मिल गया है, खीर भी मिल गया, यानी मैं सब कुछ खा पी के अब सोने जा रही हूँ। सो सब कुछ रेडी हो चुका है सोने के लिए, और ऐसा टेंट है हमारा, दो जन सो सकते हैं, मी एंड माई फ्रेंड। सो ठीक है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता दी।